हेलो एवरीवन, मैं अमृता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज मैं आ गई हूँ आप लोग के सामने एक हॉल वीडियो के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल। पहले हॉल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दूँ हॉल के बारे में कि अभी मेरे रिसेंट के जितने भी हॉल्स हैं सारे के सारे नहीं कहेंगे, मोस्ट ऑफ द हॉल्स जो हैं वो एथनिक है, जो फेस्टिवल से मैच करते हुए मेरे सारे कपड़े ऑर्डर किए थे। तो इस बीच में मेरा मन किया कि एक वेस्टर्न हॉल भी हो जाए। तो आज का जो मेरा हॉल है वो है मिंत्रा का एक वेस्टर्न हॉल, जिसमें मैं ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ। कुछ पार्टी वेयर है, कुछ नॉर्मल है, कुछ कैजुअल वेयर में पहन सकते हो। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है इस येलो कलर का ये ड्रेस, जो कि मैंने इस तरह का जो ड्रेस है ना अभी तक नहीं पहना था। और इसका ब्रांड बता दूँ, ये है सासाफ्राज। और सासाफ्राज से मैंने पहले भी बहुत सारे ड्रेसेस मंगाए हुए हैं और मुझे मोस्ट ऑफ द जो ड्रेसेस है ना वो मुझे सासाफ्राज। तो इस ये जो ड्रेस है इसका लुक आप देख रहे हो, और ये इस तरह के कलर में मैंने अभी तक ड्रेस नहीं लिया था। अगर आप समर में कुछ कपड़े पहनना चाहते हो, बीचेस पे कहीं घूमने जा रहे हो कहीं पे भी, तो इस तरह का जो ये जो ड्रेस है ये कम्प्लीटली मैच करता है इस तरह के ओकेज़न से। पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है अंदर, और क्लोथ इसका जो है काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी कंफर्टेबल है। और मैंने जो ये ड्रेस ऑर्डर किया था ये एंड ऑफ रीजन सेल में ऑर्डर किया था, तो ये मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया। इसका जो टैग पे प्राइस है अगर मैं वो आपको दिखाऊँ तो वो है 1799, बट मुझे ये इतने की नहीं आई है, मुझे काफ़ी चीप मिला है। मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी नीचे। मैंने जो साइज़ वेयर किया है वो है मीडियम। इसका लुक काफ़ी अच्छा है, इसकी जितनी भी आप सिलाई देखोगे ये बहुत फाइन है, बहुत अच्छे से अंदर यहाँ पर आपको इस जगह पे इलास्टिक मिल जाता है अंदर से आप देखोगे तो, इसकी फिटिंग अच्छी होने के लिए। और मुझे ये काफ़ी पसंद आया। इसमें दूसरा कोई कलर नहीं था मुझे जहाँ तक मुझे याद है, और ये कलर की वजह से ही मैंने ये ड्रेस ऑर्डर किया था। मुझे सच में, मैंने नीचे जा कर के जो दूसरे कस्टमर्स होते हैं उनके पिक्चर्स भी देखे थे, मुझे मोस्ट ऑफ़ दी पिक्चर्स सारे अच्छे लग रहे थे इस ड्रेस के साथ में, तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया जो कि थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह का ब्राइट कलर पता नहीं सबको पसंद आते हैं या नहीं आते, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और आप वीडियो में देख ही रहे हो, अगर आपको कैसा लग रहा है मेरे ऊपर तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपने ड्रेस की तरफ। तो नेक्स्ट ड्रेस जो है वो ये है, ये काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी तो मुझे अच्छा लगता था ये वाला। इसमें एक्चुअली एक नीचे टेक्स्ट है, आई वॉज बॉर्न अमेजिंग, तो ये इसकी वजह से बहुत अच्छा मुझे पसंद आया था। एक बात बता दूँ कि ये समर के लिए नहीं है, पहनने पे थोड़ी मुझे गर्मी फील हो रही थी। इसके हाथ पे साइड में यहाँ ऐसा कुछ स्पाइडर सा बना हुआ है। इसका जो गला है वो बंद गला है, और ये इसके साथ में मुझे एक प्रॉब्लम आई, आप वीडियो में भी देख सक रहे होगे कि मैंने नीचे इसके साथ में लेगिंग्स डाला हुआ है। तो ऐसे तो ये जो ड्रेस है आप इसको ऐसे ही वेयर करने का है, लेकिन इसकी लेंथ मुझे काफ़ी छोटा फील हुआ, तो मैंने इसे लेगिंग्स के साथ में पहना। और अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो आप अपना ओपिनियन भी डालिएगा कि मुझे ये ऐसे भी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसे जीन्स के साथ में या फिर जेगिंग्स के साथ में भी पहन सकते हो, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आता है तो ये इसका जो फैब्रिक है ये थोड़ा वेलवेट है और ग्लेज करता है दूर से। आप इससे अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेट ले लो, क्योंकि इसमें और कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप शॉर्ट ड्रेसेस प्रेफर करते हो, शॉर्ट मतलब एक्स्ट्रा ही शॉर्ट था ये, तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो। मुझे काफ़ी पसंद आया था, मुझे पिक्चर भी काफ़ी पसंद आया था तो मैंने ये लिया था। लेकिन ये है कि ये थोड़ी, जैसे कि अब मानसून का सीज़न आ गया, धीरे धीरे ठंड आ जाएगी, ठंड का क्लोथ तो नहीं है, बट अब जैसे गर्मी थोड़ी कम हो गई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे ईजिली पहन सकते हो। तो ये था मेरा दूसरा ड्रेस, और इसका ब्रांड मैं अगर बताऊं आपको, अच्छा मार्वल ब्रांड, इसकी तो कॉमिक्स और मूवीज़ आती है, पता नहीं इसके ड्रेस कपड़े भी आते हैं ये मुझे नहीं पता था, तो मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है। एनीवेज, तो ये था मेरा सेकंड ड्रेस। उसके बाद ये मेरा थर्ड ड्रेस है, जो कि आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, काफ़ी कलर्स है इसमें,
और जो भी ड्रेसेस हो, किसी भी तरह का क्लोथ्स हो, उसमें अगर मुझे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, एक हो जाता है जितनी कलर्स उसमें ऐड हो, और दूसरा फ्लोरल प्रिंट जो होते हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो इसको मैंने पिक्चर में देखा, इतने कलर्स देख करके मैं सच में मुझे लगा कि यार इसे तो मंगाना ही चाहिए। तो और उसके बाद मुझे पहनने के बाद भी ऐसा ही फील हुआ, क्योंकि इसके साथ मुझे ये लग रहा था कि जैसा पिक्चर में दिख रहा है वैसा ब्राइट कलर होगा या नहीं होगा, हो सकता है डल हो, अच्छा ना लगे पहनने पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वीडियो में भी देख रहे होगे, काफ़ी ब्राइट कलर्स हैं इसमें, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अगर आप समर के टाइम पे या मानसून के ये में भी पहनो तो ये एक परफेक्ट ड्रेस हो जाता है आपको, आपके लिए हल्का है, काफ़ी कम्फर्टेबल क्लोथ है, कॉटन है आई थिंक, और इसका जो ब्रांड है इनिएस्टा, मैं दिखा देती हूँ इनिएस्टा, ये भी मैं शायद पहली बार ही सुन रही हूँ। और ये सारे मुझे मिले हैं एंड ऑफ रीजन सेल में। इसकी भी प्राइस अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये 2298 यानी कि लगभग 2300 रुपए का ड्रेस है, बट मुझे ये शायद 800 के आसपास आया था ये ड्रेस। और साइज़ इसका भी मीडियम है जैसा आपको दिख रहा है, गला इसका थोड़ा सा डीप है जैसा कि आप देख सकते हो, बट इसे आप सही से कैरी करके पहनो तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वल्गर दिखेगा। और मुझे ये ड्रेस सच में काफ़ी पसंद आया है। तो ये था मेरा, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट ड्रेस है ये है एक पार्टी वेयर, और इसे मैंने काफ़ी सोचते सोचते लिया था बट मुझे पसंद आया था। ये है ऐसा कुछ पिंक कलर में, स्वीट सा कलर है ये, और पूरा कम्प्लीटली पार्टी लुक है, पार्टी टेक्सचर देता है। ये देखिए पूरा सीक्वेंस का वर्क नहीं है ये, कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, मैं अगर इसका कुछ डिटेल मिलता है तो मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। ऊपर से छूने पे काफ़ी रफ सा फील आता है। और दूसरी बात कि इस जब मैं ड्रेसेस चूज़ कर रही थी ऑर्डर करने के लिए ना, तो मैंने इसे रात में चूज़ करके कार्ट में डाल दिया था, और जब मैंने मॉर्निंग चेक किया तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। तो साइज अवेलेबल, इसका स्मॉल साइज मैंने ऑर्डर कर दिया, और जब ये निकला ना तो मुझे लगा कि यार ये मुझे नहीं आएगा, मैं इसे शायद नहीं पहन पाऊंगी, बट ये क्लोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रेचेबल है, ये देख सकते हो काफ़ी स्ट्रेचेबल है। स्मॉल होने के बावजूद ये मुझे इजीली आ गया, मैं ये नहीं कहूँगी कि मीडियम नहीं आता, मीडियम भी आ जाता, स्मॉल है। पहनते समय मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि शायद टाइट है, बट बहुत आराम से आ गया और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। तो ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जैसा मतलब देखने में ये काफ़ी महंगा, और इसमें यहाँ बीच में आपको इस तरह का फ्रिल सा मिलता है, नीचे भी वैसा ही कुछ है, और ये सॉफ्ट सा नेट का कपड़ा है तो इसकी वजह से एक अलग इसमें फीचर ऐड हो जाता है। तो और यहाँ गले में आप देखोगे तो ये एक कट सा ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ है, बट ये बिल्कुल आपके यहाँ आता है, नीचे नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो ओवरऑल क्या ये ड्रेस भी मुझे पार्टी वेयर के पर्पज़ से देखिए तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आती हूँ मैं अपने लास्ट ड्रेस पे जो कि मैंने पहना हुआ है। नॉर्मली मैं जो पहनी रहती हूँ उसके बारे में सबसे पहले बात करती हूँ, बट आज मैंने लास्ट ऐसे दिखाया। तो ये एक्चुअली मिडी साइज ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस भी बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी नीचे तक है। और ये जो ड्रेस है ना, ये मेरी एक कज़न है, उसके पास ये ड्रेस था दूसरे कलर में, तो मुझे मैंने तभी देखा हुआ था और मुझे पसंद था, तो मुझे ये सी ग्रीन में मिला जो कि ये कलर मुझे और ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये ऑर्डर किया। काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल फील ही नहीं होता, मतलब आप इसे पहन के सारा दिन रह सकते हो, और लुक आप देख ही सकते हो कि काफ़ी स्मार्ट लुक देता है। और मैंने जैसे इसे हाई हील के साथ में पहना हुआ है तो उस तरह से आप इसे कैरी कर सकते हो। तो लॉन्ग ड्रेस है तो आप इसे ईजिली कहीं भी आने जाने में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फेस्टिवल या किसी ओकेज़न या किसी इवेंट में पहनो, आप इसे ईजिली कहीं भी आउटगोइंग में कहीं भी जा रहे हो तो आप आराम से कैरी कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबल है। तो आप ये मतलब इसे बिना सोचे समझे आप ले सकते हो अगर आपको लॉन्ग ड्रेसेस पसंद आते हैं। तो इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि मैंने अभी पहना हुआ है तो मुझे इसका ब्रांड याद नहीं आ रहा है, तो मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगी नीचे, प्राइस से लेकर के बाकी सारी चीज़ें। साइज़ मैंने मीडियम ही पहना हुआ है, बहुत अच्छी फिटिंग आई है इसकी। तो चलिए ये था मेरा लास्ट ड्रेस। तो आपको मेरे बाकी जो जितने भी ड्रेसेस थे इंक्लूडिंग दिस, तो आपको कैसा लगा, कौन सा मेरे ऊपर सबसे अच्छा लगा या कौन सा बेकार लगा, ज़ीरो लगा, जो भी है आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, पाप है ये। चलिए मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने, तब तक के लिए बाय बाय।